अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो जो हायर के यूपीएस एनेबल्ड एसी हैं उनके साथ जो यूपीएस डिवाइस लगती है उसके बारे में। 5000 में ये इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके या कॉल करके तो ये मंगवा सकते हैं 5000 रुपये में। वैसे तो जो हायर की डिवाइस है वो आपको 10,500 की मिलती है और उसमें बहुत ज़्यादा तारों के झंझट हैं। कोई वाबडा की तारें जा रही हैं, कोई यूपीएस की जा रही हैं, कोई सिग्नल की जा रही है, तो तारें तारें नज़र आती हैं। ये बिल्कुल स्मार्ट सी डिवाइस है, इसमें कोई तारों का झंझट भी नहीं है, नीट एंड क्लीन काम है बिल्कुल। तो चलें देखते हैं इसको मुकम्मल इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, उसके बाद इसकी हम परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। जी नाज़रीन, ये एसी का कवर इस तरह से ऊपर उठा लेना है और ये एक स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है जो किट के ऊपर कवर है ना प्लास्टिक का, उसका यहाँ पे ये कवर लगा हुआ है, पेच लगा हुआ है, इसको खोल लेना इस तरह से। जी नाज़रीन, पेच मैंने खोल लिया, अब जो कवर है इसको मैं उतार लूँगा। तो कवर उतार के इसके नीचे किट है, किट को बाहर निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरह से इसका कनेक्शन जो है वो करना है। ये देखें जी, किट को मैं साइड पर कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, ये किट का कवर बाहर आ गया, अब आप देख रहे हैं अंदर किट नज़र आ रही है। इसको बड़े आराम के साथ हम इस तरीके से बाहर खींच लेंगे। ये किट बाहर आ गई, इसके अंदर आप कुछ देखेंगे, कुछ इसमें जो जैक है ना वो खाली हैं, जैसे इनमें ये वाला जो है ना इसके ऊपर यूपीएस लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यूपीएस लिखा हुआ है। ये डिवाइस की जो वायर है ना उसका कनेक्शन इसके साथ होना है। इसका देखें, ये डिवाइस है, इसका ये जैक बना हुआ है, इसको हम उस यूपीएस वाले जैक के अंदर लगा देंगे तो ये उसके बाद वर्किंग शुरू कर देगा। ये इसमें अच्छी तरह से लॉक हो गया है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। इसको एक दफ़ा लगा के तो थोड़ा सा पीछे को खींच के, हल्का सा खींच के देख लें कि अच्छी तरह टाइट हो गया है। ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये डिवाइस लग चुकी है, ये देखें जी, डिवाइस लगने के बाद अब ये बिल्कुल बारीक सी जो वायर है ये सिर्फ नज़र आ रही है और कोई ज़्यादा वायर जिसमें नज़र नहीं आ रही, कितना नीट एंड क्लीन काम है। और ये भी मेरे रूम में ये एक कर्टन लगा हुआ ना उसके पीछे चली जाएगी तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। इसमें इस साइड पे ये बटन है, 0 पे जब होगा तो ये वाबडा मोड में होगा, जब 1 पे इसको करेंगे तो ये यूपीएस मोड में चला जाएगा। जी तो अब इसको मैंने वाबडा पे ऑन किया है, यानी स्विच उसका जो बटन था ना वो 0 पे था, इसको मैंने वाबडा मोड में ऑन किया है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरह से करता है, एम्पेयर वगैरह इसके हम चेक करेंगे कि वाबडा मोड में कितने एम्पेयर ले रहा है। जी तो ये मेन है और मेन पे अभी इस टाइम सिर्फ एसी चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो यूपीएस यानी सोलर पे हैं। अभी मैंने इसको वाबडा पे ऑन किया तो अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा इसका तो फिर ये इसके एम्पेयर ऊपर जाएंगे। अभी तो 0.18 आ रहे हैं, तो कंप्रेसर ऑन होगा तो फिर ये अपने एम्पेयर बढ़ाएगा और फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक ये एम्पेयर लेके जाता है। मैं ज़रा फिर वापस आता हूँ दोबारा। जी तो ये कंप्रेसर ऑन हो गया है तो ये 5.13 एम्पेयर इस तरह से ले रहा है, तकरीबन 5 एम्पेयर। ये अभी वाबडा मोड पे है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता शायद बढ़ा रहा है या बस यहीं पे बढ़ा रहा है थोड़े थोड़े, मेरे ख्याल में ये 6 एम्पेयर तक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी मैं इसको करके आता हूँ यूपीएस मोड पे, फिर हम देखते हैं कि फिर ये कितने एम्पेयर लेता है, किसी एम्पेयर पे 2.5 एम्पेयर पे लॉक होता है या नहीं। ये देखें अभी तो एम्पेयर बढ़ रहे हैं, 5.3 5.4 होने वाले हैं तो ये 6 तक जाएगा। ठीक है तो मैं ज़रा यूपीएस पे करके आता हूँ। लेकिन अभी ये वाबडा पे चल रहा है और अभी मैं आपके सामने इसका जो बटन है उससे मैं चेंज करूँगा इसको यूपीएस के ऊपर। ये देखें इसको मैं 1 पे कर दूँगा, ये 1 पे किया तो इधर U1 आगे लिखा हुआ। अब मैं बाहर चलता हूँ और देखता हूँ पेयर कितने आ रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी जब इसको U1 पे किया है यूपीएस मोड पे, तो अभी इसने इसका जो कंप्रेसर है ना वो फ़िलहाल बंद किया है और इसको दोबारा चलाएगा यूपीएस मोड पे, तो फिर हम देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर लेता है। 2.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा ये। जी नाज़रीन, ये इसने अब यूपीएस मोड पे इसको ऑन कर दिया, आप देख रहे हैं 2.5 2.6 एम्पेयर अब ये ले रहा है, पहले ले रहा था तकरीबन जब हमने बंद किया इसकी रिकॉर्डिंग तो 5.6 5.7 ले रहा था और उसके बाद बढ़ती जा रही थी 6 की तरफ जा रही थी, और अब इसके जो एम्पेयर हैं वो 2.5 2.6 के ऊपर लॉक हो गए हैं। तो ये छोटी सी डिवाइस बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये देखें एम्पेयर अब बढ़ नहीं रहे हैं,
तकरीबन 2.4 2.5 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बल्कि थोड़े आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं, और ये हो सकता है कम होते होते जो है ना वो 2 एम्पीयर तक जो है ये बस स्टेबल हो जाएंगे। ये देखें जब ये 2.3 पे आ गए हैं तो ये आस्ते आस्ते कम तकरीबन अब यहाँ पे रहेंगे, और वैसे भी जब कंप्रेसर ऑफ होता है तब भी 0.3 तो ले रहा होता है, तो कंप्रेसर इसका समझ लें कि 2 एम्पीयर ही ले रहा है बस अब।